ये हल्ला खड़ा करेगी, ये जनता को मारेगी, स्टूडेंट्स को गोलियों से डराएगी और इस बूते पर ये इस दिल्ली के चुनाव को डिसरप्ट करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है। आप आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना चाह रही। सब तो हमेशा से ही झूठ रहा है, हमेशा हमने यही देखा है कि डिफेंस, इन्होंने तो ये भी कहा था, ये लोग डिफेंस का बहुत डंका बजाते हैं कि देखिए हम लोग, हमारी सेना है, हमें उसके प्रति हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने जवानों की इज्जत करनी चाहिए, पुलिस की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये तो डिफेंस में भी कटौती करते हैं, डिफेंस के बजट में भी कटौती करते हैं, ये एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू के बजट में कटौती करते हैं और उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि 8 फरवरी को चुनाव आ रहे हैं। और केजरीवाल तो पूरा चुनाव ही इस बात पे लड़ रही है कि उसने स्वास्थ्य प्रदान किया है, एजुकेशन प्रदान की है, सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की है, लेकिन इस गवर्नमेंट को शर्म ही नहीं है। ये गवर्नमेंट ऐसा बजट लेके आती है जिसमें साफ तौर से दिखता है कि इसको 8 फरवरी के चुनाव में ये मुद्दों पे नहीं जीतेगी, ये जो शूटिंग हो रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये उस पे जीतेगी। नमस्कार, मैं कोमल और आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जैसे कि 2020 का बजट पेश हो चुका है और इसके खिलाफ ही जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आज हम जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। पहली बात तो आपका नाम? जी मैं नेहा हूँ, मैं संगवारी से। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये बजट आने से पहले भी हम सबको पता था कि इकॉनमी कितनी बुरी तरह से सफ़र कर रही है, 5% ग्रोथ है, ये आज ये डिक्लेयर किया गया है कि जो वर्ल्ड की इकॉनमी है वो भारत की इकॉनमी की वजह से गिरी है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसे वक्त में जब ये बजट पेश होता है तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस बजट से, ये समझा जाता है कि ये बजट सिर्फ इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी इकॉनमी ख़राब है, इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके का हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं पूरे देश में, वो सिर्फ CAA को लेकर नहीं हो रहा है, बहुत हर एक चीज़ को लेकर हो रहा है, बेरोज़गारी को लेकर हो रहा है, इकॉनमी को लेकर हो रहा है, एजुकेशन को लेकर हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर हो रहा है। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि हमारी इकॉनमी ख़राब है जिसकी वजह से जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई है। तो जब एक सरकार जिसको पता है कि पूरा देश आज सड़कों पर है, पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उस सरकार ने इतनी बुरी हालत कर दी है देश की इकॉनमी की, देश की अर्थव्यवस्था की, तो जब वो बजट लाती है तो एक ऐसी सरकार जिसको अपनी, जिसको जनता के सामने अपनी अच्छी इमेज बना के रखनी है, उस सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और नहीं तो बजट में ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जनता को फ़ायदा होगा, जिस गवर्नमेंट सेक्टर्स में जहाँ पे जैसे मनरेगा स्कीम हो गई, जो जितने भी सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है, वो सारी स्कीम्स, उन सब में और पैसा बढ़ेगा ताकि जॉब्स क्रिएट होंगे, ताकि लोगों को नौकरी मिल पाएगी, उनकी पैसे बचाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी निवेश करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन जब आपने एक ऐसा बजट पेश कर दिया है जहाँ पे आपने उससे उल्टा कर दिया है, जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना था उससे गवर्नमेंट ने पैसे खींच लिए हैं हर एक जगह से, तो हमें ये पता लगता है कि ये गवर्नमेंट, इनफैक्ट ये सरकार अब चाहती ही नहीं है, इसको अपनी इज्जत की पड़ी ही नहीं है, इसको पता है, इसको अच्छे से पता लग गया है कि जनता इसके खिलाफ हो गई, इसलिए वो जनता को किसी मुगालते में नहीं रखना चाहती है कि हम आपके भले के लिए हैं, ये सरकार आपके भले के लिए है। आप देखिए ना, इस सरकार को इतनी तक चिंता नहीं है कि 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, इतना घटिया बजट पेश करती है कि हर एक इंसान आज दिल्ली में, इस देश में, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आप सिर्फ ये नहीं करते हैं, आपने बजट को एक मजाक बना दिया है। पिछली बार भी जब आपने बजट पेश किया था आपने बहुत ही घटिया दर्जे का, द्वयम दर्जे का बजट पेश किया था, इस बार भी जब आपने बजट पेश किया है तो आपने उसको सीरियसली ही नहीं लिया। आप 1.5 घंटे वहाँ पे खड़े होके अपने गवर्नमेंट की, आप अपनी सरकार की आपको अचीवमेंट्स गिना रहे हैं, आप बजट के नाम पे कुछ पेश ही नहीं कर रहे हैं। एक बजट का मतलब होता है कि सरकार, जनता आपकी तरफ देखे, उम्मीद से देखे कि अच्छा आप सुधरेगी, अब हमें शायद जॉब्स मिलेंगे, अब शायद हमारी हमारी घर की हालत सुधरेगी, अब शायद महंगाई गिरेगी, अब शायद तेल सब्जी दालों के दाम गिरेंगे, बट इस बजट से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबको पता है इस देश में कि इस वक्त जनता जागी हुई है,
जनता बहुत ध्यान से ये सरकार जो इस सरकार के नेता जो भी बयान देते हैं इस सरकार का जो दिल्ली का मैनिफेस्टो आया है उसको ये सरकार जो आगे बात करती है उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग, सिर्फ देश में नहीं भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये बात पहुँचाएँ कि ये बजट एक बहुत ही जनता विरोधी बजट है, गरीब विरोधी बजट है, इससे इस जनता को इस जनता के इस देश के गरीब सबको कोई फ़ायदा नहीं है। आप LIC बंद कर रहे हैं, आप जितने भी गवर्नमेंट वेंचर्स है एयर इंडिया बंद कर रहे हैं, आपने BSNL बेच दिया, आपने कहा आपका काम है जॉब्स बढ़ाना, आपका काम है इस देश की जनता को महंगाई से बचाना, इस देश की जनता को एजुकेशन देना, स्वास्थ्य प्रदान करना, घर प्रदान करना, और आप जॉब्स कम कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है BSNL आप बंद कर रहे हैं ताकि रिलायंस जियो चल सके, आप किसी यूनिवर्सिटी के बनने से पहले ही जियो यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट ऑफ एमिनेंस है, किस किस खुशी में मिल रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो बनी ही नहीं है उसको सर्टिफिकेट ऑफ एमिनेंस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके यार की यूनिवर्सिटी है। आप इस सरकार का हर एक नेता यही कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं कि देखिए हमारा तो गांधी सरनेम नहीं है, हमारे माँ बाप पावर में नहीं थे लेकिन फिर भी देखिए हम चाय बनाते थे, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही उम्मीद की कहानी है कि एक इंसान अपनी गरीब बैकग्राउंड से उठ के प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने इसको चलाया है और जिस तरीके की हरकतें की हैं ये बेइज्जती सी फील होती है। वो एक तौर पे मजाक उड़ा रहे हैं उन तमाम बच्चों का, उन तमाम लोगों का जो सपना देखते हैं कि अपने गरीबी के बैकग्राउंड से उठ के पढ़ाई करके जॉब्स हासिल करके मेहनत करके वो अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ का पूरा मजाक उड़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने इस तौर पे। इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि ना हमें सरकार मंजूर है ना इनका बजट मंजूर है। ये जैसी बातें करते हैं हमें शर्म आती है कि हमारे देश के नेता ऐसे हैं जो इतनी अनसाइंटिफिक इतनी इर्रेशनल बातें करते हैं। हमारा एक गाना है, मैं संगवारी से हूँ, हम लोग गाना गाते हैं, उसमें हम लोग उस गाने का नाम है फेंकू बेशरम। तो उस गाने का नाम हमने फेंकू बेशरम इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े फेंकू हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना भ्रम फैलाते हैं, और मुझे लगता है ठीक है ये लोग तो फैला रहे हैं क्योंकि इनके भक्तों को खुश रखने के लिए कुछ तो बताना होगा, क्योंकि ये वो भक्त जो ये कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा, तेल तो वो भी महंगाई खरीद रहा है, सब्जी तो वो भी महंगी ही खरीद रहा है, बच्चे तो उसके भी प्राइवेट स्कूल में जाने पड़ रहे हैं और उस वजह से हाई फीस पे करनी पड़ रही है, तो उनको अपनी तरफ बनाए रखने के लिए, ये डर का माहौल बनाए रखने के लिए, ये जाति धर्म के आधार पर डिवाइड बनाए रखने के लिए जनता बहुत झूठ बोलती है। ये बजट के बारे में झूठ बोलना कि हमने एजुकेशन बढ़ा दिया है, हमने जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर दिया है, हमने एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है, ये सब तो हमेशा से ही झूठ रहा है। हमेशा हमने यही देखा है कि डिफेंस, इन्होंने तो ये भी कहा था, ये लोग डिफेंस का बहुत डंका बजाते हैं कि देखिए हम लोग, हमारी सेना है, हमें उसके प्रति हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने जवानों की इज्जत करनी चाहिए, पुलिस की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये तो डिफेंस में भी कटौती करते हैं, डिफेंस के बजट में भी कटौती करते हैं, ये एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू के बजट में कटौती करते हैं, और उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि 8 फरवरी को चुनाव आ रहे हैं और केजरीवाल तो पूरा चुनाव ही इस बात पे लड़ रही है कि उसने स्वास्थ्य प्रदान किया है, एजुकेशन प्रदान की है, सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की है, लेकिन इस गवर्नमेंट को शर्म ही नहीं है। ये गवर्नमेंट ऐसा बजट लेके आती है जिसमें साफ तौर से दिखता है कि इसको 8 फरवरी के चुनाव में ये मुद्दों पे नहीं जीतेगी, ये जो शूटिंग हो रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये उस पे जीतेगी, ये हल्ला खड़ा करेगी, ये जनता को मारेगी, स्टूडेंट्स को गोलियों से डराएगी, और इस बूते पर ये इस दिल्ली के चुनाव को डिसरप्ट करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है, आप आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना चाह रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।